होली का त्यौहार जब भी आता है सभी को हर्ष और उल्लास से भर देता है। देश में कई हिस्से हैं जहां होली को अलग अलग तरह से मनाने की परंपरा है और इन सब में सबसे ज्यादा प्रचलित है मथुरा और ब्रज की होली। लेकिन एक अनूठी होली ऐसी भी है जो चिता की भस्म से खेली जाती है, जिसे लोग मसान होली के नाम से जानते हैं। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी, जिसकी सुबह भी शिव है, दिन भी शिव और रात भी शिव के नाम के साथ होती है। काशी का गंगा घाट हो या फिर हो यहाँ की तंग गलियां, शिवरात्रि के बाद से ही यहाँ चारों ओर रंगों की बौछार शुरू हो जाती है और महाशमशान पर खेली जाती है चिता की भस्म से होली, जो रंग भरी एकादशी के ठीक दूसरे दिन खेली जाती है, जिसे लेकर मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा भोलेनाथ माँ गौरा का गौना कराकर अपने धाम लेकर आए थे। इस दिन बाबा ने देवी देवताओं और मनुष्य के साथ होली खेली थी, लेकिन इस दौरान उनके प्रियगण भूत प्रेत पिशाच और अदृश्य शक्तियां शामिल नहीं हो पाई थी, इसलिए बाबा विश्वनाथ ने रंग भरी होली के दूसरे दिन मरघट पर उनके साथ मसान होली खेली, जिसे आज भी पूरी परंपरा के साथ वैसे ही खेला जाता है। बड़े बड़े डमरुओं की नाद के बीच शिव के भक्त हवा में भस्म उड़ाते हुए जैसे ये संदेश दे रहे हों कि शरीर नश्वर है, जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। मसान होली खेलने की ये परंपरा लगभग 350 साल पुरानी है, जो आज भी हर हर महादेव की गूंज के साथ जलती चिता के बीच भस्म के साथ खेली जाती है। एक तरफ जलती चिता तो दूसरी तरफ मनाया जाता है मृत्यु और मोक्ष का ये उत्सव। चिता की राख से सराबोर महाशमशान मणिकर्णिका घाट का ये नजारा बेहद अनूठा है। भस्म से खेली जाने वाली ये होली इतनी अद्भुत होती है कि हर देखने वाला दंग रह जाता है। ये मसाने की होली जो अपने आप में है, काशी के मसाने की होली, इसका कोई जवाब नहीं है। आपने देखा काशी के मणिकर्णिका घाट पे एक तरफ मसान जल रहा है, चिता जल रही है, तो दूसरे तरफ रंग अबीर की होली गुलाल मनाया जा रहा है। लेकिन उसी बीच में जो चिता से जली हुई राख निकलती है, उस राख से लोग होली खेलते हैं। अपने आप में ऐसा माना जाता है कि इस राख की होली से जो लोग खेलते हैं उनको मुक्ति मिलती है। इस उत्साह का कोई चरम सीमा नहीं, अपने आप में अति उत्साह है लोगों में। सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मसाने की होली बहुत ज्यादा सुना था, बहुत ज्यादा कि ये होता है वो होता है, ऐसे लोग आते हैं वैसे लोग आते हैं। कल मतलब फोटोज वगैरह गई हरिश्चंद घाट की, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फोटोज में दिख रही थी। मैं आई, मैंने कहा चलो देखते हैं एक बार। बहुत मतलब ज्यादा लोग कहते हैं कि लेडीज को नहीं आना चाहिए, महिलाओं को नहीं आना चाहिए, और मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए, एटलीस्ट ये तो देखना ही चाहिए आगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, जो एंजॉयमेंट है कैसी लगती है, बस उसे फील करना चाहिए, फोटोज में सभी देख लेंगे। महाशमशान पे होली खेली जा रही है, चिता भस्म की होली है और यूजुअली शमशान पे महिलाएं नहीं आती, अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन होली का दिन है जो कि, तो होली में सभी शामिल हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग एक रंग में रंगे और बाबा के रंग में रंगे हैं। और इस होली के विषय में जो काशी की वैशिष्ट परंपरा है, एक तरफ चिताएं जलती हैं, दूसरी तरफ लोग महोत्सव मनाते हैं होली का, उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 300 किलोमीटर की यात्रा करके मैं कल यहाँ शाम में पहुँचा और आज मैं, ये उत्साह जो है ये महोत्सव में बदल गया है, ये आयोजन अधिष्ठान हो गया है बिल्कुल। और एक अद्भुत परंपरा देखने को मिल रही कि एक तरफ लोग शोक से ग्रस्त हैं, दूसरी तरफ चिताओं के उस लपट में अपने सभी समस्याओं को भस्मीभूत कर दे रहे हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन आप देख सकते हैं इसके पीछे। तो है ना, भारत का हर रंग अनूठा। अब अगर आपको भी कभी काशी की इस भस्मा होली में शामिल होने का मौका मिला हो तो आप अपना अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।